स्वागत है सभी किसान साथियों का हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज सबसे पहले साथियों आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगा क्योंकि आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है। इसी तरह प्यार बनाए रखिए साथियों। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम बात करने वाले हैं किर्लोस्कर का जो 8 HP का पावर वीडर है उसके बारे में। बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है पावर वीडर है और मल्टीपर्पज़ यूज़ वाला पावर वीडर है। लो मेंटेनेंस है साथियों, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी बात करें तो 8 HP का पावर वीडर है और इसमें आपको एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। इसके गियर्स की बात करें तो 2 आगे और 1 पीछे गियर आपको मिल जाता है। 120 किलो इसका वजन मिलता है और 2 पहियों के बीच में जो आपका अंतर है वो 2.25 फुट का मिल जाता है। इसके कुछ फीचर्स की बात करें साथियों तो इस पर आपको जो हैंडल मिलता है वो एडजस्टेबल हैंडल मिलता है, मतलब इसकी हाइट हम कम ज़्यादा कर सकते हैं आसानी से। और इसका जो हैंडल है उसको हम 180 डिग्री में टर्न भी कर सकते हैं। बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है, इसमें आपको तकरीबन 1.5 घंटे में 1 लीटर का डीजल लग जाता है। और इसके अंदर आपको साथियों ऑटो स्टॉपर भी मिल जाता है। अगर मशीन गलती से आपके हाथ से छूट भी जाए तो थोड़ी अंतर के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। मल्टीपर्पज़ यूज़ होने की वजह से आप इसको आपकी नहर से या फिर कैनल से पानी निकालने के लिए पानी का पंखा है वो भी अटैच कर सकते हैं। एक दमदार आपको इसके अंदर PTO मिल जाता है तो उसको आप STP स्प्रे पंप भी लगा सकते हैं। और अंतर मशागत के लिए जितने भी काम रहते हैं खरपतवार निकालने के लिए तो वो सभी आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसको आप साथ ही अटैचमेंट अटैच करके बुवाई रहे या फिर आपकी निराई गुड़ाई के सभी काम आप इसके सहायता से कर सकते हैं। अगर बिजली चले जाए तो इसको आप इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा के बिजली भी तैयार कर सकते हैं। इसमें जो आपको इसके साथ में रोटावेटर मिलता है साथियों उसकी लंबाई आप 2 फीट से लेकर 5 फीट तक बढ़ा सकते हैं। इसको ट्रॉली लगा के आप 5 से 7 क्विंटल का वजन जो है आपका कुछ भी रहा सामान तो उसको ढो के लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। किर्लोस्कर का होने की वजह से साथियों बहुत ही दमदार मशीन है, बहुत ही हेवी ड्यूटी इसकी डिज़ाइन भी है। तो ये वीडियो कैसा लगा साथियों, इसके बारे में आपके जो कुछ भी कमेंट रहेंगे सुझाव रहेंगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिए साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो हमारे कई दूसरे भी किसान साथियों तक ज़रूर इसको शेयर कीजिए साथियों। अगर किसी और विषय पर आपको अगर वीडियो चाहिए किसी कुछ भी एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन रही तो उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, उसके बारे में ज़रूर आप सुझाव कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में जल्द ही। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।